चलें आगे. सो इज़ इट ट्रू द सेइंग इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट यू कैन डू इट? हाँ यार, मैं तो बड़ा मानता हूँ उस चीज़ को कम्प्लीटली. आप रोते रहेंगे ना तो कुछ नहीं होगा लाइफ में कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ये देखो उसको दे दिया, उसकी जान पहचान थी, ये वो था सारा. भाई लाइफ इज़ नॉट फेयर, ये बात दिमाग में बिल्कुल अपने इंसेप्शन कर लें इस चीज़ का कि फेयर कुछ भी नहीं होगा. ये सब अवार्ड्स अवार्ड्स और ये वो और फंडिंग्स और वट एवर इज़ आउट देयर, ये ना सोचे कि भाई ये मेरे साथ गलत हो गया. आप लगे रहें अपने काम में, करते रहें. वो मूवी देखी किसी ने, द फाउंडर, मैकडॉनल्ड्स में जो बनाई, क्या फिल्म देखी आपने? तो कहते हैं टैलेंट तो बिकता है, बिकता क्या, रुलता है रोज़ हर सड़क पे और हर जगह है. परसिस्टेंस है इसकी, इट लगे रहे एक चीज़ के पीछे, लगे रहे और सब कुछ हो जाए. और मैं तो फिल्म बनाना यहाँ इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, सिनेमा ही नहीं थे, कहाँ लगाते आप फिल्म को? और तो यह है कि बना रही सब ने, मेरे साथ और भी जो हैं कोलीग्स, उन्होंने भी चौथी फिल्म बना रहे हैं, पाँचवीं बना रहे हैं. तो है ना कि एक अच्छे टाइम पे था मैं भी यहाँ के भी सॉर्ट ऑफ ये जो जिसको सो कॉल्ड रिवाइवल कहते हैं, आप उसका हिस्सा थे. कोई याद रखे या ना रखे, आपको तो पता है, आपको तो पता है कि वो, हाँ वो फर्स्ट 10 फिल्म में आपकी फिल्म थी, वो डिड वेल एंड वो आती रहती है, आगे चलता रहता है. तो अच्छा, इसके साथ देयर इज़ यू नो अ लॉट ऑफ फैसिनेशन इन्वॉल्व. Do you think it is essential to go to a film institute in order to become a successful filmmaker? जबरदस्त सवाल पूछा आपने, किसने बताया आपको ये? यार ये अगेन माजर के साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे बैठा हूँ मैं, कहना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए. कट कर दो उसको. बट मुझे लगता है कि डिग्री सब लोग लें माँ बाप को खुश करने के लिए. हाँ ये सही बात है. हाँ तो वो ज़रा प्रेस्टीज तो है ना डिग्री में, और कुछ अगर ना भी हो, नहीं और है कुछ, लेकिन प्रेस्टीज तो है कि भाई डिग्री है मेरे पास. सब कहते हैं पेरेंट्स कि यार पहले डिग्री ले लो फिर जो करना करो, ताकि फॉल बैक प्लान हो, आपके पास नौकरियाँ लग जाएँ या आपका भी मुँह दिखाने के काबिल हो किसी को. तो उसमें सही भी कह रहे हो कि एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए. बट कम टू थिंक ऑफ इट, अगर आप टेक्निकल फील्ड में, जिस तरह आप अगर मीडिया में हैं या आप राइटर हैं या आप आर्ट्स की तरफ हैं, आर्ट स्कूल में बैठे हुए हैं, तो आपको वाकई मतलब नौकरी मिलेगी. और वो कितना पर स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी और कितने लोगों को मिलती है इस मुल्क में और ग्रोथ कितनी है. तो मैं तो कहता हूँ कि आजकल तो क्रैश कोर्सेज वाला ज़माना है, टेक अप अ क्लास, ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, मास्टर क्लास ले लें, ऑन जॉब ट्रेनिंग जो है उससे ज़्यादा. मैं खुद फिल्म स्कूल ग्रेजुएट हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये आउटडेटेड हो जाती हैं चीज़ें, ये चीज़ें बदल जाती हैं. हमें फिल्म के ऊपर वो फीता जिसको कहते हैं उस पर सिखाया था, एक साल बाद डिजिटल हो गया सब कुछ, इट कम्प्लीटली चेंज एवरीथिंग. आपकी टेकिंग बदल जाती है फॉर हूएवर शॉर्ट यू नो नैरेटिव्स. आप कहते हैं कि यार नहीं, लिमिटेड फिल्में मेरे पास, तो मुझे 6 शॉट्स ही करने हैं सर. और डिजिटल में आप करें 50 शॉट्स करें, देर इज़ नो वेस्टेज ऑफ मनी एट ऑल. तो आप अपनी मर्जी से, मतलब चेंज हो गया ना प्रोसेस भी चेंज हो गया. बात बिल्कुल सही है, प्रोसेस भी चेंज हो गया. तो ये है कि हाँ, डू योर डिग्री, उसके अंदर आप उसकी प्रेस्टीज रखें और माँ बाप को भी खुश करें ज़रूर, बट रिलाई मोर ऑन जॉब एक्सपीरियंस. मैं आज हूँ, 20 साल पहले चला जाऊँ तो मैं कहूँ कि ये आई गॉट माय मास्टर्स ऑल्सो, तो ये 18-19 साल की जो एजुकेशन है, मैं कहता नहीं बैचलर्स इज इनफ. उसके बाद मैं किसी के साथ असिस्टेंट लग जाता, जामी के साथ, साकिब के साथ, किसी भी अच्छे डायरेक्टर के साथ, वो जो सीखने को मिलता है ओवरनाइट. सो बिफोर आई शॉट माय फर्स्ट फिल्म, मैंने कहा और तो कोई सिखाने वाला कुछ नहीं है, तो मैंने एक चाल खेली. वो चाल ये थी कि मैंने 3 कमर्शियल्स किए एज टैलेंट. अच्छा. हाँ, शौक नहीं था लेकिन ऐसी ये देखने के लिए कि ये 130 बंदा क्या करता है एग्जैक्टली, यहाँ का जो क्रू का वो होता है. एक कोक का एड था बैंकॉक में शूट हुआ विद आसिम, एक टेलीनॉर का था विद एहसन रहीम, ऑल ग्रेट डायरेक्टर्स. तो वो सिर्फ नॉलेज के लिए था कि यार एग्जैक्टली कौन क्या कर रहा है यहाँ. मतलब आई थॉट कि मैं 25 लोगों के साथ फिल्म बना दूंगा, क्यों क्या करना है किसी ने, जो हमारे एक गुरेला स्टाइल ऑफ है वर्किंग तो हम कर लेंगे, क्या ज़रूरत है. बट व्हेन यू गो ऑन सेट, तो वो फिर पता अच्छा हो गया ये क्रैश कोर्स मेरे लिए, इट वॉज बेटर देन द डिग्री कि इनको देखा काम करते हुए. वो नहीं हो सकता था 25 लोगों में, आई हैड टू गेट 125 पीपल ऑन साइड. 15-20 लोग तो सिर्फ आर्ट के होते हैं, सिर्फ जो आर्ट टीम है, 20 पीपल वो थका टक करे जा रहे हैं, ये बना रहे हैं, पैनल्स हो रहा है, आप ऊपर शूट कर रहे हैं जगह पे, वो दूसरी लोकेशन पे बन रहा है सेट, और बहुत पूरी टीम्स होती हैं और टीम्स के हेड्स होते हैं और वो चीज़. तो वो मेरे लिए बड़ा लर्निंग कर्व था व्हेन आई शॉट दीज 3 कमर्शियल्स विद देम. और कम्प्लीटली बिल्कुल टैलेंट की तरह टैलेंट का जैंडर्स मंगवाया मैंने. जैंडर्स ही मंगवाया वहाँ का, बैंकॉक का जैंडर्स. सो हाउ डू यू फील लाइक एक्टिंग इन योर ओन मूवी? क्योंकि आपने यार किया है, मुझे बिल्कुल शौक नहीं बट इन अ लीड कैरेक्टर, समझ रहे हो? ओहो जबरदस्त यार, वॉइस ओवर मैन इन. अब यार सही है. सही यार, फाइट वाइट भी करेगा वो. नहीं मुझे बिल्कुल शौक नहीं, वरना मैं कर चुका हुआ था बहुत ज़्यादा.
बिकॉज टी वी वॉज ऑलवेज अवेलेबल, जानता भी सबको था वो, तो अगर मुझे घुसना होता था. आपको शुरू से शौक नहीं था? नहीं, एक्टिंग का शौक, कॉमेडी का शौक है, विच इज़ व्हाई आई डू वॉइस ओवर मैन, और एक आध कैरेक्टर अपनी फिल्म में एक मिनट का कर लेता हूँ सिर्फ कैमियो, उतनी हद तक बिल्कुल है शौक, वरना वो एक्टिंग इज समथिंग एज टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑल्सो, और दूसरी मुझे लाइनें नहीं याद होती है किसी को बताना नहीं. So what type of qualities do you look into? In a wife? No, I would have asked about. अक्सर ये सवाल वहीं pointed होता है ना. नहीं, in a good actor, क्या qualities आप देखते हैं? सब basic, time पे आए और लाइनें याद हों, one. और दूसरा, हर actor की अपनी technique होती है. जी. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे स्क्रीन पे वो बिलीवेबल लगे और इंगेज रखे अपने साथ. जोकर देखिए आप लोगों ने, आई फॉरगॉट अबाउट व्हाट द स्टोरी इज, उसने इतना इंगेज किया था उस एक्टर ने और कैरेक्टर ने कि मैं तो भूल ही गया कि आसपास क्या हो रहा है. ये होती है परफॉर्मेंस. यू माइट हैव अनदर ओपिनियन अबाउट द मूवी कि इतनी अच्छी नहीं थी या ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था, बट फॉर मी द व्यूअर एक्सपीरियंस वॉज कि उसने मुझे इतना इंगेज रखा कि शायद वीकनेसेस भी भूल गया मैं कि क्या फिल्म के अंदर वीकनेसेस थी या नहीं थी. ये हुआ था होता एक्टर कि आपको इतना सीन के साथ एंगेज रखे. स्क्रिप्ट तो चलो नंबर वन, स्क्रिप्ट तो अच्छा होना ही चाहिए, और उसके बाद एक्टर आपको रखता है ना अपने साथ एंगेज रखता है, और वो वीक एक्टिंग से बर्बाद हो जाते हैं. अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट, बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट बर्बाद हो जाते हैं. एंड सो वी मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, वाज इट डिफिकल्ट टू शूट छलावा 2019? सर्दी बहुत थी यार, उसके अलावा कुछ और डिफिकल्ट नहीं था. आप याद है आपने मुझे बताया था वो जो आप लोग वो जंगल वाला का वो बोले थे, वो लाहौर से आगे थी. अच्छा, वो लाहौर से आगे था. हाँ, वो द वन विद सबा कमर. वी वर शूटिंग इन स्वात, अपवर्ड्स ऑफ स्वात, और मुझे जंगल नहीं मिल रहा था. मुझे लेट जंगल चाहिए था, स्टेप्स में जो होता है वो क्लाइमिक सीन की तरफ था. तो रेकी की इस्लामाबाद, लाहौर, कलर कहार, झेलम वगैरह, ऑल दीज प्लेसेज, और वो मिले ना. तो फाइनली वी गॉट, एक जगह मिली स्वात से नॉर्थ साइड पे, उसका नाम था पठानी जंगल. तो मैंने जो हमारे कोऑर्डिनेटर और जो हमें हेल्प कर रहे थे उनको मैंने कहा कि यार यहाँ शूट करना है, ये वाहिद जगह मुझे लेट जंगल मिला. तो उसने कहा नहीं, ये हमारे दुश्मनों का है, तो यहाँ तो स्टेप रखेंगे तो आपको गोली मार देंगे. तो मैंने कहा नहीं, कुछ करें यार, कुछ जुगाड़ निकालें कि आप, आई हैव टू शूट हेयर, या और कोई जगह ही नहीं है, और एक फिल्म का स्केड्यूल होता है, सब एक्टर्स हैं वहाँ, उनका भी क्लास फेलो निकला बचपन का, उनने कोई सुरा की बैठ के, बड़ा वो बड़ा फिल्मी था वो भी. एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे हम, उनके बदमाश आए, इनके बदमाश आए. तो मैंने कहा सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, गॉडफादर वाला माफिया मेरे लिए हो रहा है सब कुछ, है ना. ये सही कह रहे, मैंने कबायलों की जो ना कबीलों की दोस्ती करवा दी इस फिल्म के. देखे तो वो, हाँ वो था जंगल, वो डिफिकल्ट शूट था बिकॉज डीप जंगल था वो. वो जनरेटर की तार इतनी लंबी नहीं होती कि वहाँ तक जा सके, और मुश्किल था थोड़ा सा वो. अरे मैं सुबह 5:30 बज के बजे के, सीनियर एक्ट्रेस की क्या ज़बरदस्त बात है, बैरोसा जुदारी रुबीना अशरफ, 5:30 सर्दी तरीन में वो खड़े हुए हैं. एंड जस्ट कुर्सी भी रखो ना, जैसे टेढ़ी होती थी बिकॉज वो लेट जंगल था, तो वो बैठने बैठने का इंतजाम भी वहाँ सही नहीं था. और वापस आपको वॉशरूम जाना हो तो आधे घंटे की वॉक थी वो जंगलों में, वो करके जो होता है साथ. तो वो सारे वॉरियर्स थे ये सारे जो है ना, बिल्कुल किसी ने उफ तक नहीं की. तो ये होती है टीम और ये प्रोफेशनलिज्म होता है. आई विश सब डायरेक्टर्स को ऐसे लोग मिले तो बहुत मज़ा आए. तो एज सच कोई प्रॉब्लम डिफिकल्टी नहीं हुई, वेयर इन यूर इन द मोमेंट एंड ऑल, तो आपको कुछ फील ऐसा नहीं होता. बट ये मुश्किल लोकेशन की हैं पाकिस्तान में थोड़ी सी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दैट शुड लाइक. यहाँ आप शहर में शूट करने जाएँ तो बिजली की तारें इतनी हैं, और केबल वालों की वो जो कुंडे डाले हुए होते हैं वो इतना बुरा लगता है, वो पोस्ट में हटा हटा के एक एक लाइन को. तो आप एक भी रोड ऐसा नहीं है आपके पास जो है, और ये फेज एट में आप शूट करने जाएँ तो डीजे वाले आ जाते हैं, कैमरा ले जाते हैं जाके. तो यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है. तो फिर वन हैज़ टू गो नॉर्थ, जाएँ तो बहुत अच्छा है, बट लोग बाहर चले जाते हैं, टर्की वगैरह शूट करते हैं वो, इसलिए कि यहाँ पर ये नहीं है जगह. लोकेशन नॉर्थ में खूबसूरत हैं, बट सिटी दिखानी हो आपको, अगर स्टोरी सिटी ही है तो आप वो कैसे खूबसूरत जगहें दिखाएंगे. छलावा में भी आप लोग गए थे नॉर्थ की तरफ? नहीं, छलावा में इंटीरियर सिंध गए थे. इंटीरियर सिंध, हाँ, बट बहुत अंदर, जहाँ दो जगह गए थे, गोरख हिल्स था विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन सिंध जी, और दूसरा वाज बदीन से आगे. आप बता रहे थे ना वो एक सीन था जिसमें असफर वो खड़ा होते थे, वो लाइन बोलते थे फिर बैठते थे. वो विंडी इतना था वो जो हाईएस्ट पॉइंट है गोरख हिल्स. अच्छा, तो वो बाहर एक लाइन कह के फिर वो पत्थर पकड़ के बैठ जाता था और हम भी बैठ जाते थे. टफ है यार. हाँ हाँ, तो वो था, वो लग रहा था कि गिर जाएगा सब कुछ, बहुत विंडी एक्सट्रीम, मतलब इतने मैंने देखा ही नहीं कभी. तो ये कुछ चीज़ें हैं. अब वो जो मैं कह रहा था सेफ्टी के लिए पहन में ले, वो भी कहता था नहीं यार नहीं पहनना, वो तो जियारे भी बहुत है ना हमारे. आई डू माई ओन स्टंट्स. थैंक यू सो मच वजाहत, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. We'll have a small question and answer session. Sure.
राबिया हाँ जी गुआ सर आपकी जितनी तीन मूवी हैं उसमें से दो तो मैंने देखी हैं कराची फिर और लाहौर से आगे विच वन ऑफ दीज मूवीज इसमें आपकी फेवरेट कौन सी और क्यों है अरे फर्स्ट फर्स्ट होती है जो है ना तो कराची से लाहौर आपकी फर्स्ट वाज द बेस्ट थैंक यू उसके बाद से डाउनवर्ड है सर क्या हो गया आपको सर लेकिन मुझे पर्सनली हां नहीं शो है वो बहुत मजेदार लगी हां अभी भी हमारे यहां उसकी डीवीडी पड़ी होती है माय गर्ल्स आर फैंस पायरेटेड अभी अवेलेबल है पायरेटेड है कि नहीं पता लेकिन आज भी टुडे व्हेन आई वाज कमिंग टू आई वाज टेलिंग हर कि मैं जा रही हूं जिसने कराची से लाहौर बनाई थी अजीम आ रहा है तो माय डॉटर सेड अजीम आ रहा है अजीम कौन है जो आपका जो ये अच्छा अजीम जहीम जहीम अजीम आ रहा है तो आई सेड नहीं बेटा उनका नाम तो ये नहीं है मैंने भी यही आपका जवाब दिया था कि फर्स्ट वन वाज माय फेवरेट और शायद रही काफ़ी टाइम तक जितनी भी बना लूँ तो यार आप अलग जोन में होते हैं आप पहली फिल्म बनाने जा रहे होते हैं आपको पता कुछ भी नहीं होता तो वी जस्ट हैड अ गुड टाइम और फनी थी मेरे ख्याल में वो फिर विद टाइम क्या होता है ये एक हमारा वो भी है डिसएडवांटेज विद टाइम हम ज़रा अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं कि यार आप अगली मूवी में ये करना चाहिए जो है ना थोड़ा सा सोशल इशू डालना चाहिए थोड़ा आप वी फॉरगेट के अल्टीमेटली वो ऑर्गेनिक चीज़ ज़्यादा चलती है तो फर्स्ट वन में वी हैड नो क्वाम्स कोई हमारा वो नहीं था स्टोरी ऐसे करनी है वैसे करनी है इसको खुश करना है तो वो जो चला वो अच्छा था एंड मोती वर्क्ड द कैरेक्टर ने दो दफ़ा लक्स साइड अवार्ड्स होस्ट किया एज मोती और एक उसको भी अच्छा करियर एक मिल गया ओवरऑल बट इट वॉज फनी एज हेल मतलब है, वो अभी भी टीवी पे कभी चल रही होती है हाँ केबल पे भी सबसे ज़्यादा वही चलाते हैं पायरेटेड जो है ना तो एक दफ़ा मैं देख रहा था उसका लिपसिंक आउट था वो दो सेकंड के डिले में आ रही थी तो मैं आई कि अब तो वो बॉक्स वॉक्स लग गया है बट मैंने उनको कॉल किया कि यार आप ये देखें इलीगल चला रहे हैं पायरेटेड लेकिन ये मेरी शिकायत नहीं है वो आप चला रहे हैं उसका सिंक आउट है तो ऐसा कि मैं आपको भिजवा रहा हूँ डीवीडी ये चला लिया करें अगर पायरेटेड ही चलानी है आपने तो माइट वेल सही चीज़ चला दें उन्हें रुकना तो है नहीं तो यह है कि वो भी कराची से लाहौर ही ज़्यादा ही चलती है आज तक भी ओवरऑल बट बिजनेस वाइज कौन सी बिगर टीम और उसमें उनका ज़्यादातर तो न्यू कमर्स है उसके अंदर उसमें वी डोंट हैव अ बिग स्टार तो वो हाँ उसके अपने वो थे बट देखिए हर चीज़ को अगर आप इन टोटलिटी देखें ना चरावा इज डन डबल द बिजनेस विद रिगार्ड्स टू माय फर्स्ट टू फिल्म्स तो ऑडियंस एक्सेप्टेंस भी आप जिस एज ग्रुप में है ना आपको हमेशा कराची से लोग ज़्यादा अपील करेगी देखो यूथ ह्यूमर है रोड ट्रिप है और वो वन लाइनर्स बड़े शार्प से थे बट अगर आप इन टोटलिटी देखें तो चलावा कुछ फैमिलीज जाती हैं देखने लाहौर और मुल्तान और फैसलाबाद और ऐसी ऐसी जगहों पर तो वो इट डिड मोर बिजनेस बिकॉज आई थिंक उसमें फैमिली डायनामिक ज़्यादा थे शायद मे बी आई डोंट नो आप लोग बताएंगे कि उतनी शायद फनी नहीं थी जितनी पहली थी या उतनी अच्छी आप अगर कहें कि नहीं थी लेकिन क्या था कि इट डिड डबल द बिजनेस तो बॉक्स ऑफिस ऑल्सो मैटर्स तो अल्टीमेटली ये है कि वट एवर द ऑडियंस प्रिफर्स वो भी वापस करूँगा आई हैव प्लान्स टू डू अ पार्ट थ्री ऑल्सो बट काफ़ी टाइम बाद चार पाँच साल तीन चार साल बाद जाके अब वो अपन एक ऐसे एज ग्रुप में होंगे सब लोग कि वो स्टोरी भी फिर अकॉर्डिंगली होगी पर मोती विल बी देयर और वो सारा उन्हीं के डायनामिक्स पे होगा वो हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल हाँ जी सो माय क्वेश्चन इज के जो ब्रांड प्लेसमेंट होती है मूवीज में उतनी आई बॉम्बिंग तौबा क्या बात आपने यार और एक दूसरा सवाल ये है कि जो न्यू लोग आते हैं इंडस्ट्री में अगर वो जाते हैं तो कहते हैं कि आपको बस एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको जॉब नहीं देंगे एक्टिंग या वैसे नहीं वैसे जैसे डायरेक्टर है या एडी है या डीपी है इस तरीके के जो है तो इसमें कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है आप जॉब देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा इट्स अ विशियस साइकिल सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू देयर इंटीग्रेशन वाला जो था वो अनफॉर्चुनेटली हमसे क्लाइंट्स मीटिंग में पहले कहते हैं ओके वी वांट सटल वो बाय द फोर्थ मीटिंग वो आइसक्रीमें जो है ना मुँह के अंदर डाल रहे होते हैं और हमें तो ये भी कहा था कि वो नहीं कहना चाहिए मुझे बट मतलब है बहुत इन योर फेस कहा गया था तो फर्स्ट फिल्म में तो मैं मान गया था क्योंकि करनी थी और आई हैड टू मेक इट वर्क उनने कहा मैंने नहीं कहा
तो शॉर्ट डालो इसके तो हाँ जनरली भी सब में होती है, आप एनिमेटेड उठा के देखिए उसमें भी तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, पर वो कहते हैं कि व्हेन वी स्पेंडिंग मनी तो हमारी ऑडियंस बड़ी बेसिक है, उनको रिकॉल नहीं मिलती। अगर आपने दबे लफ्ज़ों में सटल तरीके से कर दिया कि वो हाँ माउंटेन ड्यू पड़ी हुई थी पीछे या कुछ रेफरेंस में आ गई, तो वो लोगों को रिकॉल ही नहीं आती। फिर उनकी फोकस ग्रुप्स होते हैं, स्टडीज़ होती हैं उसके बाद कि किसको याद है कि इस फिल्म में ये ब्रांड था, और किसी को याद नहीं होता। तो वो कहते हैं कि मनी वेल स्पेंडर्स के अगर लोगों को याद रहे कि ये ऐसे थी ये। तो फर्स्ट में एग्री टू एवरीथिंग, सेकेंड में आधी चीज़ें मना कर दी, सेकेंड वॉज अलॉट मोर कंट्रोल्ड अदर वेज ऑल्सो बिकॉज वो एक बैंक का कार्ड था। मैंने कहा एटलीस्ट अगर आपका बेच रहा है ब्रांड पॉइंटर्स दे रहा है तो एटलीस्ट मेरे बंदे को फनी होने दो, जो मोती है वो जवाब दे सकता है। बाय द ग्रीड समझ आई, और थर्ड में तो लिया नहीं मैंने स्पॉन्सर, थर्ड वाज कम्प्लीटली प्योर। उनको अवार्ड मिला उस एजेंसी को कॉर्नेट वाली पे जाना, अच्छा नहीं मिलना चाहिए था। फर्स्ट थिंग्स व्हाटएवर यू हैव डन इन योर स्कूल लाइफ, वो शो रील नहीं भी है तो मे बी वन शॉर्ट फिल्म या व्हाटएवर यू हैव डन, जो कुछ आपने, आप एडिटर हैं तो एडिटिंग कैपेसिटी में अपना काम दिखा दें, इफ यू आर अ राइटर तो अपना स्क्रिप्ट भेज दें। तो एडी के लिए मेरे साथ जो तीन हैं, इंशाल्लाह वन ऑफ देम विल बी डायरेक्टिंग फिल्म दिस ईयर फॉर मी। वो इतना काबिल आदमी है, इतना वो अच्छा है उसके अंदर कि इट्स बीन थ्री इयर्स मतलब फोर इयर्स 15 से। तो ये है कि आई एडी आते हैं लंदन रोप्स, और आप अगर एक्सेप्शनल हैं किसी काम में तो आपको रोक तो नहीं सकता कोई भी, वी विल फाइंड अ वे। फर्स्ट तरीका ये जो आपने काम किया वो भेज दें, और कुछ लोग नहीं जवाब देते व्हाट्सएप का तो लगे रहें, अगेन वो भी परसिस्टेंस वाली बात है कि तंग करते रहें करते रहें। अगर कोई मैं ज़्यादातर वैसे दे देता हूँ जवाब, और सच बता देता हूँ कि यार नहीं है कोई अभी, क्यों मतलब एक टीम इन प्लेस है अभी लाना, बट देर हैव बीन लॉट ऑफ टाइम्स लोग कहते हैं कि यार वी विल जस्ट इंटर्न और वी वोंट बॉदर एनीवन, और हमारे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने डालनी है डाल दें, नहीं डालें करके, बट जस्ट लेट अस बी ऑन सेट। मैं कह देता हूँ आ जाए, लेकिन पहले थोड़ा जज्बा ज़रूर देखना पड़ता है उनका कि ये सिर्फ तफरी करने के लिए आ रहा है या वाकई लर्निंग का उसको एक्सपीरियंस है। ऐसा भी हो चुका है कि वो बस एक्टर एक्ट्रेसेस के चक्कर में दोस्तियां करने के लिए आ गए थे वो, तो वो फिर थोड़े टाइम बाद उनको बताना पड़ा मुझे कि यार ये तो वो इट वाज मोर ऑफ अ न्यूसेंस देन कि वो सीख रहा हो, वो अपना ही कुछ कर रहा होता था वहाँ पर सेट पर बैठ के। बट दिस इज़ ओनली वन केस, 99% ऑफ द केसेज आई अलाउड देम टू कम ऑन सेट। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंटिन्यूटी है तो बड़ी बहुत बड़ी चीज़, बट जो कंटिन्यूटी डायरेक्टर होता है थर्ड एडी उसके साथ वो लग जाए और सीखे कि कहाँ चश्मा था और हाथ कहाँ थे, वो ग्राफ बनता है पूरा। तो ऐसे आप शुरू कर जाते हैं सब कुछ करके, बट वो विच एवर डायरेक्टर यू लाइक उनको आप अपना भेज दें काम। मुझे लगता है रेज्यूमेज वाला ज़माना चल जा चुका है, तो पता है तो बनाए भी कभी नहीं रेज्यूमे, कभी कैसा उसकी फॉर्मेटिंग होती है या क्या होता है, तो वो भेजें। और जिसको थोड़ा स्पार्क नज़र आएगा वो ज़रूर बताएगा आपको, बिकॉज वी ऑल वॉन्ट यू नो न्यू पीपल, वो आए न्यू आइडियाज़ भी आते हैं, प्लस किसी ने तो आगे टेक ओवर करना है ना, सारी ज़िंदगी तो नहीं करते रहेंगे। तो दिस इज़ द वे। और जो एक्सपीरियंस वाली बात की, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे याद आ रही है जब आपने पूछा था तो मैंने ज़रा फैंसी जवाब दे दिया था कि मैं आउट ऑफ कॉलेज बैचलर्स के बाद बिफोर आई गॉट माई फिल्म थिंग, तो वो मैं गया था 2-3 एड एजेंसीज़ वो रेज्यूमे वगैरह उस ज़माने में बना के और देखे, तो उनने बड़ा मजाक बनाया यार, उनने यही कहा मुझे कि अच्छा आप यहाँ काम करने आए हैं, ठीक है आपको पता है ये एजेंसी कौन सी है? मैंने कहा हाँ जी पता है कि, अच्छा पहले आप इंटर्न करके आएँ 3-4। मैंने कहा आप दे दें कर लूँगा नहीं 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 ये एजेंसी में नहीं आपको मिलेगा आपको, वो बहुत एरोगेंस थी उनमें जो है ना, बट आप नहीं गिव अप तो नहीं करते ना कि अगर दो लोगों ने आपसे रूडली बात कर लिया कुछ ऐसा कर लिया तो गिव अप ना, भेजते रहे कोई ना कोई तो बुलाएगा आपको। इट वर्क्स, मैंने आई हैव सीन इट वर्क मल्टीपल टाइम्स। एक दफ़ा जवाब नहीं देगा, पांचवी बार कोई ना कोई दे देगा, या यू नो, और इंटर्नशिप तो उनका कोई जा रहा नहीं है ना, अब मुझे आपको बुलाने में एज एन इंटर्नी ऑन अ फिल्म और समथिंग मेरा क्या जा रहा है इसके अंदर? कुछ भी, देयर इज नो एक्सपेंस। अगर आप जैंडर्स नहीं मंगवाती हैं तो वही है। हाँ तो मेरी सारी टीम ऐसी है, मोस्ट ऑफ माई टीम वर बिल्कुल ज़ीरो, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो ज्वाइंट नहीं, इवन टीवी में भी जो एडिटर था उसको उसने एक फ्रेम नहीं काटा हुआ था कभी ज़िंदगी में, उसने 3 फिल्में काटी हैं मेरी, पूरे एडिट किए उनने। तो दे ऑल स्टार्टेड, आई स्टार्टेड विद ज़ीरो, वो कह रहे सम वॉट एक्सपीरियंस था स्कूल का,
बट प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं था ना, तो यू स्टार्ट समवेयर बट ढूंढते रहे. जिस तरह मैंने कहा कि मैं इवन आफ्टर डिग्री एंड डूइंग उस वक्त 13 साल टीवी किया हुआ था मैंने, फिर भी मैंने वो कमर्शियल्स किए एज अ टैलेंट. वो भी कोई मेन हीरो नहीं था उसके अंदर में, वो दो शॉट थे मेरे से उसमें, बट वो की खुआरी जाके वो चार चार तो पता चले ना सुबह 4 बजे का कॉल टाइम होता था. तो ये था कि आई डिड नॉट नीड टू डू दिस, जरूरत तो नहीं थी, एंड देयर वाज वर्चुअली नो मनी, तो पैसों के लिए तो था ही नहीं वो. तो ये था कि नहीं आप ये 4 दिन जरा एक मारें, क्योंकि फिल्म करने वाले बिल्कुल होता है, तो आप करें इसको. एंड हमारी एसोसिएशन भी है, फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, उसमें उनको कॉन्टैक्ट करें. अलग अलग वैसे बेस्ट वे इज टू जस्ट यू नो रीच आउट टू अ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, उनको बोलेंगे मुझे आना है आपके सेट पे, और इफ वी सी यू नो कि इसमें स्पार्क है थोड़ा सा, तो कुछ रिस्पांसिबिलिटी आप ज़रूर देते हैं उनको कि आप एक्टर्स को हैंडल कर लें, कि आधा घंटा 45 मिनट्स पहले बता दें उनको जाके कि शॉट है. शुरू में तो कोई लिफ्ट नहीं कराएगा, पर आहिस्ता आहिस्ता आप हैंडल करना सीखेंगे टैलेंट को कि अच्छा इनको, और उनको भी समझ आ जाता है. वो भी जो भी एक्टर्स या एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं ये तेज़ है, ये लड़का ये कौन है, मैं तो कुछ नहीं है, कोई नो आउट ऑफ स्कूल है वो, कोई जैबस का लड़का था, कोई यहाँ से था, लेकिन इसमें है, उसमें कुछ जान है, तो उनकी बात पे सुनने लग गए, सुनने लग गए कि यार ये सही, ये ही नोज व्हाट इज टॉकिंग. ये ऐसा नहीं है कि वो पूछती हैं उनसे कि अच्छा अभी क्या हो रहा है सेट पे, तो बोलता है लाइट हो गई है, ये हो गया है, रिग का काम हो गया, ये सब कुछ हो गया, तो वो एक तरीका होता है, उनकी लैंग्वेज होती है ना. तो ये है, और पूछें सवाल. आइटम नंबर मैंने खुद ही पहले बता दिया. आइटम नंबर का सवाल पूछे ही नहीं. मैं 5 साल से ये जवाब दे रहा हूँ हर कॉन्फ्रेंस पे, हर जगह पे, कि आप आइटम नंबर क्यों करते हैं. Okay, आप आइटम नंबर क्यों करते हैं. फॉर अ कैरेक्टर आप प्रेफर करेंगे एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर ओवर फॉर कमर्शियल रीजन, या फिर आप प्रेफर करेंगे कि एक नॉट सो फेमस एक्टर. हाँ, आई थिंक बॉक्स फ्री नहीं है टीवी की तरह, तो 800 रुपीज़ का टिकट है, तो यू नीड सम पुल. आप अगर ब्रांड न्यू एक्टर्स के साथ कर लेंगे तो बताइए एक ज़रा होता है कि किसकी फिल्म है, ऑडियंस कैसे है, और इतनी बड़ी भी इंडस्ट्री हुई नहीं है, 140 स्क्रीन्स एंड लिमिटेड वो, तो आप करते हैं, पर सपोर्टिंग कास्ट में हमने लोग ले लेते हैं हमेशा. तो आप हीरो हीरोइन बेशक रखें नोन, और मे बी यू नो चांस दें आप नए लोगों को. अब यासर वॉज देयर, अहमद अली अकबर वॉज कराची लाहौर में जो था, इट वॉज हिज फर्स्ट आई थिंक इज वेल. अभी एक लड़की आई है इसमें सुपरस्टार में, माहिरा की जो बहन बनती है, अब शी इज डूइंग लीड एवरीवेयर. तो आप हलीज़ हाँ, तो आप ज़रूर ऐसा चांस दें और आगे वो करें. बट आई थिंक विद टाइम इंशाल्लाह इंशाल्लाह इफ आई डू अ सेकंड फिल्म दिस ईयर, इस कमिंग ईयर जो प्लान है वो थोड़ी मिड बजट है, तो उसमें मैं सोच रहा था कि एक नोन हो और एक न्यू कमर हो, इधर द हीरो और द हीरोइन, ताकि बैलेंस आउट हो जाए. इस तरीके से चांस भी नए लोगों को मिल जाएगा, और यू हैव दैट वन पुल ऑल्सो कि ये एक मेजर स्टार है इसके अंदर और आप नहीं कर ले, तो ये एक तरीका. और इंडिया में भी ऐसे हुआ है कि अब बिग स्टार है सलमान खान, तो वो कीप्स ट्राइंग आउट न्यू पीपल कि वो आ जाएं और वो फिर स्टार बन जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं. तो ये एक इस चीज़ का मेथड है. अभी तो कम्प्लीटली इंगेज विद माई फिल्म, दिस अपकमिंग फिल्म इज इन जैन फेब, तो अभी तो प्री प्रोडक्शन में हम लोग, एंड फिर इंशाल्लाह प्लान टू डू अनदर वन जो मैं बता रहा था, तो नहीं मिलेगा टाइम ये करने के लिए. फिर इसके साथ डन वन वेब सीरीज, तो इसका भी आगे करना है, एंड वी डूइंग समथिंग एल्स फॉर वेब इज वेल, तो वो नहीं टाइम मिलेगा ये करने का. बट यह है कि व्हेनेवर देयर इज अ चांस कुछ ऐसी चीज़ हो करके तो ज़रूर करूँगा. शुरू में की थी शॉर्ट फिल्म मैंने, अरे शॉर्ट फिल्म, उसके बाद आई मेड 18 टेलीफिल्म्स, और एक पे भी प्रॉफिट नहीं किया, बस ब्रेक इवन हो गया था उस पर जो है. तो और ऐसे आप डे वन पे तो नहीं मिलता ना, वी 18 टेलीफिल्म पर एक सिटकॉम मिला, वो सिटकॉम वॉज लाइक अ ग्रेजुएशन, वहाँ से करके फिर 8-9 सिटकॉम्स किए, खुद ही लिखे खुद ही डायरेक्ट किए, फिर जाके पहला सीरियल मिला. सीरियल टीवी के अंदर एक वो होता है जो प्रीमियम प्रोडक्ट, तो विद टाइम को सारा मिलता है. सीरियल कर रहे हैं भाई, सीरियल कर रहा भाई, सीरियल कर रहे हैं आजकल. तो ये है कि शॉर्ट फिल्म से कभी इंशाल्लाह जब फ्री हुआ तो ज़रूर कुछ करूँगा. एक लिखी भी है वैसे, वो बड़ी बहुत पसंद है मुझे, तो लेट्स सी मे बी कुछ ऐसी, जस्ट यू नो कि एक महीना फारिग पड़ा हुआ है, तो लेट्स जस्ट डू इट. नाइस यार, ये करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ, आपका फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस कौन है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान, नॉट लाइक हॉलीवुड एंड बॉलीवुड, टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री जो जिनके साथ आपने काम किया है या नहीं भी किया, यू थिंक दे आर गुड, सो हु डू यू थिंक. मुझे सबा कमर, महवेश, सज्जल, ये तीन बहुत ज़्यादा पसंद है, तीनों के साथ मैंने काम किया है, मुझे आउटस्टैंडिंग लगते हैं ये, इनका क्राफ्ट जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है. लड़कों में फहद मुस्तफ़ा इज़ ग्रेट,
فواد از گریٹ آبویسلی, اس کا ایک الگ اسکل سیٹ ہے, فیروز اچھا ہے بہت, تو اینڈ یاسر آف کورس, یاسر مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنی جگہ بڑی بنائی ہے, یو نو فرام بینگ اے نو بڑی اور آل آؤٹ وہ ہیرو وہ نہیں ہے چاکلیٹ بوائے, بٹ اتنی جگہ اس نے بنا دی ہے, شادی بھی کر رہا ہے وہ, شادی بھی کر رہا ہوں. یہ لڑکے لڑکیوں میں یہ مجھے فیوریٹس لگتے ہیں. اور نہیں کوئی سوال؟ ہاں, آئی تھنک دے ول برنگ ویلیو ٹو دا کاسٹنگ پروسیس, بٹ ہوتا ہے جب ہم لوگ لکھتے ہیں تو اس کے بعد بڑے لمیٹڈ چوائسیز ہیں. یہ ان انڈسٹریز میں ہوتا ہے جب آپ کا پول از اباؤٹ یو نو 80,000,00,000 لوگوں کا پول ہے اور دے وڈ سجیسٹ کہ یہ وہ کر لیں, وہ 20 لوگ ہیں مینلی اور آس پاس, پھر وہ ایک دیر از این ایجنسی کال سٹرس ٹیلنٹ, تو جو سپورٹنگ کاسٹ میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں, وہ پہلے ویڈیو آڈیشنز بھیجتے ہیں ہمیں, اس میں سلیکٹ کرتے ہیں, پھر ان کے آڈیشنز ہوتے ہیں, تو وہ آئی گیس اتنا کلوزڈ ہے یہ اس وقت کہ آپ خود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کوالیفائڈ کاسٹنگ ڈائریکٹرز بھی ہونا, آپ کس کو لے کے آئیں گے اس وقت, فلمیں ہی کتنی بنی ہیں ہمارے یہاں, سال ہی کتنے ہوئے ہیں, تو وہ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ ذرا وی ٹریٹ دیم ایز کاسٹنگ ڈائریکٹرز فار سپورٹنگ کاسٹ, یہ جو ایجنسیز ہیں لائک سٹرس اینڈ آل, کہ تم ریکمینڈ کرو یہ کیریکٹر ہے تم بتاؤ, بٹ ناٹ فار لیڈز, اور وہ آپ ہی کو بہتر پتا ہوتا ہے, تو مے بی میں نے روز یو نو ایسا ہو جائے گا اوور آل. اور بتائیں اور کوئی سوال؟ اینی کہاں, آج تو ویسے بہت سوال ہوئے ہیں, کھل ایک اور ہے. ہاں کھل 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 کے پوچھے. میرے تو یہ تھیٹر کے تھے, احمد اینڈ یاسر اینڈ اور سارے تھیٹر کے ہیں, یہ زیادہ تر فرحت آلسو فرحت سب تھیٹر, تو تھیٹر ایکٹر ذرا زیادہ پالش ہو کے آتا ہے اس کو ذرا, اور ریہرسل کی بڑی عادت ہوتی ہے اس کو, اور وہ جملہ کبھی نہیں بھولتے ہو, تو وہ تو پکے ہوتے ہیں اپنے کام میں. پرابلم صرف ایک یہ ہوتا ہے, اگین ٹیکنیکل, ان کو عادت ہوتی ہے کہ تم نے کہا تھا یہاں آئیں گے, وہ آخری بندے کو سنا رہے ہوتے ہیں تھیٹر میں, کہتے ہیں رک جاؤ اتنا زور سے کیوں بول رہے ہو, ہلکے بولو, تو وہ اچھا وہ اچھا ہلکے بولوں, ہلکا بھی ان کا بہت زور سے ہوتا ہے, ہلکے بولوں تو عادت ہو جاتی ہے نا, اور پھر وہ ٹرن کرنے کی کہ ہر بات پہ جملہ بول کے ٹرن کرنا ہے, منہ بھی یہاں ہوتا ہے تو ساؤنڈ آتا ہے, اور وہ فیس کرنا نا, یہ تھوڑی سی چیزیں ہوتی ہیں بلاکنگ میں, تو پروز اینڈ کونس, بٹ پروز زیادہ ہیں کہ ان کو ریہرسل پکی عادت ہوتی ہے, اور ان کو ایکسپریشنز میں بہت زیادہ ان کے پاس ہوتا ہے جان ہوتی ہے اس کے.